हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। आई एम अंकित सर, और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11 की सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट का यूनिट नंबर 2, दैट इज द एड्रेस। प्लीज़ कीप इन माइंड फ्रेंड्स कि ये जो पूरा चैप्टर है वो चैप्टर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पार्ट 1 के बारे में। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जहाँ पर अच्छा लगे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर से करना। तो चलिए करते हैं हमारे वीडियो की शुरुआत। फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक ऐसी बेटी की सचित्र वर्णन है जो हॉलैंड में युद्ध के बाद अपनी माँ की चीज़ों की तलाश में जाती है। जब वो उसे मिल जाती है तो वो उसके पहले के जीवन की यादें उसके सामने ले आती है। फिर भी वो उन दिनों को भूलने और आगे बढ़ते जाने का फैसला कर लेती है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क, क्या आप मुझे अब भी पहचानती है, मैंने पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, उस स्त्री ने बहुत ही खोजपूर्वक दृष्टि से मुझे देखा। सी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक, उसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा। तो उसने दरवाजा बस थोड़ा सा ही खोला था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं और भी नजदीक आई और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं पहचानती। आई एम मिसिस एस डॉटर, मैं श्रीमती एस की बेटी हूं। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, वो अपना हाथ दरवाजे पे ही रखी थी, मानो वो उसे और ज्यादा खुलने से रोकना चाहती हो। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, और उसके चेहरे पर पहचान जाने का कोई भी डर नहीं दिख रहा था। सी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, वो बिल्कुल खामोशी से मुझे एक टक देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट, परहैप्स इट इजेंट हर, मैंने सोचा शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी, शायद ये स्त्री वो स्त्री नहीं हो सकती थी। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, फ्लिटिंगली यानी क्या होता है कि बिल्कुल ही कुछ पल के लिए। तो वो कहती है कि मैंने उसे केवल एक ही बार देखा था, और वो भी कुछ ही समय के लिए, और उस बात को तो बीते हुए बहुत साल हो चुके हैं। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और इसकी संभावना सबसे ज्यादा थी कि मैंने गलत घंटी बजा दी थी। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, उस स्त्री ने दरवाजे को छोड़ दिया और एक तरफ हट गई। सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। सो फ्रेंड्स, ये कार्डिगन क्या होता है, तो पहले कार्डिगन देख लेते हैं। यहाँ फोटो में आप देख सकते हो, ठीक है, एक हरा सा एक कपड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर जो बटन है वो वुडन के है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे एक कार्डिगन के बारे में बात हो रही है, वो क्या बता रही है, सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, उस स्त्री ने मेरी माँ का बुना हुआ हरा कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और लकड़ी के बटन धुलाई से काफी पीले पड़ गए थे। सी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हाइड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, उसने देखा कि मैं कार्डिगन की तरफ देख रही थी, और उसने खुद को फिर से दरवाजे के पीछे आधा छिपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन मुझे अब पता चल गया था कि मैंने गलती नहीं की थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क, चलिए आप मेरी माँ को जानती थी, मैंने पूछ लिया।
हैव यू कम बैक, सेड द वूमन। तो उस स्त्री ने कहा, क्या तुम लोग वापस आ गए हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैं तो सोचती थी कि कोई भी वापस नहीं आया है। ओनली मी, तो मैंने भी जवाब दिया कि और कोई नहीं, केवल मैं वापस आई हूं। अ डोर ओपन्ड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, उसके पीछे एक पैसेज में एक दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, और एक बहुत ही बास भरी दुर्गंध फैल गई। आई रिग्रेट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तो उस स्त्री ने कहा कि मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, तो ये बेटी भी बता रही है कि मैं यहाँ पर खास काम के लिए ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, और मैं आपके साथ एक पल के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वूमन, तो उस स्त्री ने कह दिया कि इस समय मेरे लिए ये सुविधाजनक नहीं है। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती, किसी और वक्त आना। सी नोडेड एंड कॉजियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, उसने सिर हिला दिया और ध्यान से दरवाजे को बंद कर दिया, मानो वो चाहती हो कि घर में किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं सीढ़ी के ऊपर वहीं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, बाहर वाली खिड़की के सामने टंगा हुआ पर्दा अचानक से हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, किसी ने मुझे घूर कर देखा और उस स्त्री से पूछा कि मुझे क्या चाहिए। ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड, इट वॉज नथिंग, शायद उस स्त्री ने कहा, ओह कुछ नहीं, कोई बात नहीं थी। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने नेम प्लेट को दोबारा देखा। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल, एनिमल यानी क्या होता है, जो पेंट होता है, कलर होता है, उसकी बात हो रही है। उस पर सफेद रंग के ऊपर काले अक्षरों में डॉर्लिंग लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम्ब अ बिट हायर द नंबर 46, और उससे थोड़ा ऊपर खिड़की की बाजू में नंबर लिखा था, नंबर 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस years ago। जब मैं धीरे धीरे वापस स्टेशन की तरफ जा रही थी, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा, जिसने वो पता कई साल पहले मुझे दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये युद्ध के पूर्वार्ध की बात थी, इट मीन्स युद्ध के पहले की टाइम की बात थी। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई हुई थी और मुझे एकदम ही लगा कि कमरों में कुछ न कुछ अवश्य बदल गया था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे कई चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी माँ को ताज्जुब हुआ कि मैंने इतनी जल्दी ये कैसे पता लगा लिया। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, और फिर उसने मुझे मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर होम सी हैड सीन फॉर ईयर्स। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो पहले से जिसे आप जानते हो और उसके बाद काफ़ी समय से आप उसे मिले नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वेंटेंस। मैंने पहले उसके बारे में नहीं सुना था, पर सही रूप से वो मेरी माँ की एक पुरानी जान पहचान वाली थी जिससे वो कई साल से नहीं मिली थी। सी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, वो अचानक से ही आ गई थी
और आपस में संपर्क को दोबारा स्थापित कर लिया था। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, और तब से वो नियमित रूप से अपने हमारे घर आने लगी थी। एवरी टाइम सी लिव्स हियर सी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माई मदर। मेरी माँ ने कहा कि हर बार जब वो यहाँ से जाती है वो कोई ना कोई चीज़ अपने घर ले जाती है। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और वो चांदी का सारा सामान एक ही बार में ले गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर गौर करना, ये जो सिल्वर गो है, ठीक है, ये टेबल सिल्वर क्या है वो जैसे जैसे आप लेसन में आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ये कौन से सिल्वर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर वो प्राचीन प्लेटें ले गई जो दीवारों पर लटक रही थी। सी हैड स्ट्रगल लगिंग दोज लार्ज वासिस एंड आई एम वरीड सी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। उन बड़े बड़े फूलदानों को घसीट कर ले जाने में उसे बहुत तकलीफ हुई होती, और मुझे चिंता थी कि सारी क्रॉकरी ले जाने के कारण उसकी पीठ में अकड़न आ गई होगी। माई मदर शूक हर हेड पिटीइंगली, और मेरी माँ ने दया भाव से अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डैड आस्क हर, और ऐसा करने के लिए उससे कहने का साहस मैं नहीं कर पाती। सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, और उसने मुझे खुद ही ये सुझाव दिया था। सी इवन इंसिस्टेड सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग, बल्कि उसने बहुत जोर दिया था वो मेरी सभी बढ़िया चीज़ों को किसी भी नुकसान से बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग सी सेज, तो वो स्त्री कहती थी कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम हमारी सभी चीज़ें खो बैठेंगे, वो ऐसा मुझे कहा करती थी। हैव यू अग्रीड विथ हर दैट सी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क, तो मैंने भी पूछ लिया क्या तुम उससे सहमत हो कि वो हर चीज़ को अपने पास रख ले। एज इफ इट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, तो मेरी माँ भी जोर से बोली मानो ये कोई जरूरी ही था। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और ऐसी बात कहना केवल अपमान करना होता। एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी इज रनिंग ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ द डोर विथ अ फुल सूटकेस और बैग, और उस जोखिम के बारे में तो सोचो जो वो हर बार उठाती है जब वो भरा हुआ सूटकेस या बैग लेकर हमारे दरवाजे से निकलती है। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, मेरी माँ ने शायद ये देख लिया था कि मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। सी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसने एक निंदा की नज़र से मुझे देखा और उसके बाद फिर हमने इस बारे में कोई बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, और इसी दौरान मैं रास्ते में आने वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना स्टेशन पर पहुंच गई थी। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। युद्ध छिड़ने के बाद मैं पहली बार हमारी ऐसी परिचित जगहों में फिर से चल रही थी, लेकिन मैं उससे और आगे नहीं जाना चाहती थी जितना कि आवश्यक था। आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, मैं उन सड़कों और घरों के दृश्यों को खुद को विचलित नहीं करना चाहती थी जो मेरे अमूल्य समय की यादों से भरा हुआ था। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई हैड मैट हर, वापस जाते वक्त मैंने रेलगाड़ी में मेरी और
मैंने रेलगाड़ी में क्या किया कि मेरी ही यादों में मैंने श्रीमती डॉर्लिंग को दोबारा वैसे ही देखा जैसे मैंने तब देखा जब मैं उसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, और ये उस दिन की बाद वाली सुबह थी जब मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, अ वूमन विथ अ ब्रॉड बैग। मैं देरी से उठी थी और सीढ़ियों के नीचे आते समय मैंने अपनी माँ को किसी को अलविदा करते देखा। वो एक चौड़ी पीठ वाली एक औरत थी। देर इज माई डॉटर, सेड माई मदर, और मेरी माँ ने कहा वो रही मेरी बेटी। सी बैकंड टू मी, उसने मेरी तरफ इशारा किया। बैकंड यानी कि इशारा करना। द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। उस स्त्री ने सर हिलाया और कोट के रैक के नीचे पड़े हुए सूटकेस को उठा लिया। सी वॉर अ ब्राउन कोट एंड अ सेपलेस हैट। उसने एक ब्राउन कोट और एक बद्दा सा हैट पहना हुआ था जिसका कोई सेप नहीं था। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क, सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। मैंने पूछा क्या वो काफ़ी दूर रहती है। जब मैंने देखा कि उसे उस भारी सूटकेस को घर से बाहर ले जाने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, मेरी माँ बोली मार्कोनी स्ट्रीट में रह रही है। नंबर 46, रिमेंबर दैट, नंबर 46, और इसे याद रख लेना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मैंने उसे याद रखा था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन वहाँ जाने के लिए मैंने बहुत ही दिन तक इंतज़ार किया था। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ तक देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 1। आई होप सो कि जितना भी आपको मैंने बताया है वो पूरे का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। फ्रेंड्स, थैंक यू।